अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। देखिए अभी अपने थंबनेल देखा होगा, शहाब भाई जंगल में दो दिन से हैं और वो जंगल खेत हैं, धान के खेत हैं। मुतकी गांव है, ज़िला फरीदकोट है, पंजाब स्टेट है और बाघा बॉर्डर वहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले पूरी लोकेशन अभी और बताऊंगा। तो आपने शुरू में एक शेर भी सुन लिया कलाम का, तो अब ये कलाम इंशाल्लाह पूरा सुनने मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दें, और हमने टारगेट रखा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। हमारी जो फैमिली है वो 4 लाख की होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख की फैमिली यानी 1 मिलियन की फैमिली हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। और एक बात और, ये नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरा नंबर नहीं है, ना ही शहाब भाई का नंबर है, आयुर्वेदिक दवा की कंपनी का नंबर है। किसी भाई को जरूरत हो इसकी तो आप इस पर कॉल करें, मेरा नंबर नहीं, ना ही शहाब भाई का नंबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शहाब भाई पंजाब स्टेट के जिला फरीदकोट में है और फरीदकोट के गांव मुतकी में है। अभी जमाल बाबा से बिल्कुल ताज़ा अपडेट मिली है, बाबा ने बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर मेरे पास भेजी है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जमाल बाबा ने जो लोकेशन बताई राइट लोकेशन है। देखिए कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैला के पहले ही शुरू में ही फेक न्यूज़ फैला दी कि शहाब भाई पाकिस्तान से बॉर्डर के पार हो गए और बाघा बॉर्डर पहुंच गए। तो लोगों ने ये सोचा कि पाकिस्तान पहुंच गए अब तो वो जाना कहाँ से कहाँ होंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता है मेरे दोस्तों कि शहाब भाई कहाँ पर हैं। कोई पहली बार देखता है ना कि पंजाब में है हिंदुस्तान में ही, तो वो चौंक जाता है। मेरे सामने कई वाक्य ऐसे आ गए हैं मेरे भाई, आप राइट लोकेशन फैलाएँ, फेक न्यूज़ ना फैलाएँ, मेरा सभी से चैनल वालों से भी कहना है। तो दोस्तों शहाब भाई जो है ज़िला फरीदकोट में ही है, जैसे मैंने कल बताया था अभी वहीं रुके हुए हैं। अब ये मेरे पीछे आप जंगल की वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में शहाब भाई ने कल पूरा दिन अपनी बेटी से भी वीडियो कॉल पर बात की। हाँ जैसे कि देखिए इसमें देख सकते हैं कि इसमें अपनी बेटी से वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, और मैं इसकी आवाज़ खोल कर आपको नहीं दिखा सकता। बेटी इनकी अलहमद शरीफ पढ़ रही है, अलहमदिल्ला रबिल आलमीन अरहमान रहीम, मतलब अलहमदिल्ला पढ़ रही है इनकी बेटी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वीडियो देख के, इसे आप भाई के चैनल पर से वीडियो हमने लिए और हम इसको आपको दिखा रहे हैं। चलिए तो जंगल में उन्होंने दो दिन हो गए, मुतकी में इसलिए रुके हुए हैं, पाकिस्तान में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, वो सूखा हो जाएगा उसके बाद में अब वहाँ से निकलेंगे। आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज़ भी वो मुतकी में ही अदा करेंगे इंशाल्लाह। और मुतकी है पंजाब सिटी के ज़िला फरीदकोट में और अमृतसर वाला रोड है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, आपको कलाम भी सुनाना, बाबा की लोकेशन जान लें, बाबा ने हमें क्या क्या बताया है। 107 दिन शहाब भाई को आज चलते चलते हो गए हैं और 3300 किलोमीटर से ऊपर उनका सफ़र हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, 3300 के आसपास ही बताया अभी तक हमें। बहरहाल चलिए इंशाल्लाह पहले बाबा की लोकेशन जान लें, फिर आपको कलाम सुनाते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, मैं आपके लिए लोकेशन रोजाना बताता हूँ शहाब भाई की सुबह 9 बजे, और आपको राइट लोकेशन बताता हूँ और कलाम भी सुनाता हूँ। तो मिससे जुड़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे तक बहुत प्यारे प्यारे कलाम सुनाता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बाबा की लोकेशन जानो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु, मेरा नाम मोहम्मद जमाल, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट आपके सामने दिख रहे हैं। और आज 16 तारीख है ना जी, 16 तारीख, आज 16 तारीख 16 सितम्बर का अपडेट दे रहे हैं कि शहाब भाई इस बोर्ड में देख लीजिए, अमृतसर 109 किलोमीटर बता रहा है और बाघा बॉर्डर की टोटल दूरी यहां से 120 किलोमीटर है। हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं ये मुड़की है। शहाब भाई जो परसों निकल करके, परसों महाराजा ढाबा से निकल करके इसी मुड़की गांव में, क्योंकि ये सामने डॉक्टर साहब का घर दिख रहा है और पब्लिक आ रही है। देखिए पब्लिक को भेज रहा हूँ, पब्लिक को दिखाइए, वो सब आ रहे हैं, वही डॉक्टर साहब का घर है जहाँ पर शहाब भाई रुके हुए हैं, वो पब्लिक सामने दिख रही है, लोग आ रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है और ताज़ा अपडेट की जानकारी सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को हम देते जा रहे हैं। और तमाम हजरात से गुजारिश है और ख़ास तौर से पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तान से जो मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं शहाब भाई कहाँ हैं, तो मैं सभी हजरात से यही कहूँगा कि बार बार फ़ोन करके परेशान मुझे न करें, शहाब भाई किसी जगह में हैं, जिसका गांव का नाम मुटकी, ज़िला फरीदकोट, और यहाँ से बाघा बॉर्डर की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। ये ताज़ा जानकारी अपडेट लेने के लिए आप सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देखते रहें। और आगे की जो जानकारी आज की, शहाब भाई जुमे की नमाज यहीं अदा करेंगे और जुमे की नमाज के बाद शाम को ईशा मगरिब कब निकलते हैं उसकी जानकारी कल सुबह आपको दे दी जाएगी। कल सुबह हम जितना जल्दी हो सकेगी तमाम हजरात को यह जानकारी आपको वीडियो वायरल करके बता देंगे कि शहाब भाई कहाँ है। अभी बहरहाल आप दिखाइए कैमरे को कि शहाब भाई अमृतसर 109 किलोमीटर, लेकिन
सियाब भाई अमृतसर नहीं जाएंगे ना, सियाब भाई अमृतसर की तरफ नहीं जाएंगे। अमृतसर से 25 किलोमीटर पहले से ही एक रोड निकली है जो बाघा बॉर्डर को टच करती है, तो उससे शॉर्ट कट जब जाएंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बाघा बॉर्डर की ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से बाघा बॉर्डर टोटल 100 किलोमीटर है, मात्र 100 किलोमीटर है, क्योंकि अमृतसर हम सियाब भाई जाएंगे नहीं। अमृतसर से 25 किलोमीटर पहले से एक रास्ता शॉर्ट कट निकल रहा है जो कि बाघा बॉर्डर को जा रहा है। देखा आपने, जमाल बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें लोकेशन राइट बता रहे हैं। बाबा जो है सियाब भाई के साथ साथ ही हैं और बाघा बॉर्डर तक साथ रहेंगे। इन्होंने सब कुछ बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार और बता देता हूँ, जिला फरीदकोट है, पंजाब स्टेट है, इंडिया में ही, और बाघा बॉर्डर वहाँ से भी 120 किलोमीटर के आसपास है। अमृतसर 109 किलोमीटर जैसे दिखाया उन्होंने। तो चलिए कलाम सुनते हैं। खुश रबी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, हाँ दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, हाँ मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मुझको मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुने यार, मोहब्बत का शेर, अकीदत का शेर सुने, अकीदे का शेर सुने। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, हाँ गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी, चोपड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी,
अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर, रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर, रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर, रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर। सरवर सादगी अच्छी लगी, सरवरे कोनो मका की सादगी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर रह कर आस्ताने सरवर कोने से जिंदगी अच्छी लगी ना, जिंदगी अच्छी लगी ना, जिंदगी अच्छी लगी ना, बंदगी अच्छी लगी, जिंदगी अच्छी लगी ना, बंदगी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। रुमा की रोशनी मानो कि अच्छी है मगर क्या, मेहरुमा की रोशनी अच्छी है माना तो मगर, मेहरुमा की रोशनी माना कि अच्छी है मगर, मेहरुमा की रोशनी माँ ना के अच्छी है मगर, सब्ज गुंबद की मुझे तो, सब्ज गुंबद की मुझे तो, सब्ज गुंबद की मुझे तो रोशनी अच्छी लगी, सब्ज गुंबद की मुझे तो रोशनी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो मुझे दिल से सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। और मैं तो यूँ सभी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। बिलखसूस यार, 5 टाइम की नमाज बाजमात अदा करो, जो हमारी बहनें हैं वो घर पर अदा करें। हमारी बहनों के क्या मामूल रहते हैं, बुरा ना माने कि वो 1 टाइम की नमाज़ पढ़ लेती हैं उसके बाद में फिर उनका मन नहीं करता। ज़्यादातर हैं, सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर ये कंडीशन होती है। आप दिल लगा के नमाज़ पढ़ो मेरी बहनों, आप 1 महीना नमाज़ पढ़ लो, आपको ऐसा शौक लगेगा इंशाल्लाह, फिर आपकी वो नमाज़ कभी कज़ा नहीं होने की। लगातार कंटिन्यू 5 वक्त की नमाज़ आप 1 महीना पढ़ लो, 20 दिन पढ़ लो, 25 दिन पढ़ लो, इंशाल्लाह आपके अंदर एक शौक और एक ज़ोक पैदा हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपने शाह भाई की लोकेशन भी जान ली और आपने ये प्यारा सा कलाम भी सुन लिया। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। टारगेट आपको पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी। इंशाल्लाह ये सब्सक्राइबर जो होंगे इंशाल्लाह ताला वो आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से, अल्लाह के रहमो करम से, वालिदैन की दुआओं से बहुत जल्दी होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत दुआ करते हैं मेरे लिए और सपोर्ट भी बनाए रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मिलियन हमारी फैमिली इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। आप लोग दुआ करते रहें और सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट बनाए रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और बिलखसूस वालिदैन का ख्याल रखें। आजजी के साथ में लोगों से पेश आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखें।